गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है, टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। ए रिटायर हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन रिटायरमेंट का हो गया। असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यहां देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहां वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, मतलब ए प्लस। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है, एसेट्स प्लस द लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर अ मशीनरी, दोनों रिड्यूस होगा 6,000 और 10,000, दैट इज ए माइनस। एसेट्स कम किया जाएगा तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर और टू मशीनरी। ओके। प्रोविजन 5% टू बी मेड या क्रिएटेड, ये होता है एल प्लस। 5,000 प्रोविजन क्रिएट करना है, लाइबिलिटी बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्रेडिटर में कोई इंक्लूड था ओल्ड लाइबिलिटी, अब उसको पैसा नहीं देना है। यहां आ गया लाइबिलिटी माइनस, क्रेडिटर को रिड्यूस कर देना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक बार देखो, ये ए प्लस था, ये वाला ए माइनस था, ये एल प्लस था और एल माइनस। एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट सो फार रिकॉर्डेड, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसको हम लोगों को बुक्स में लाना है 8,000 रुपया, दैट इज ये भी हो जाएगा ए प्लस। एसेट्स को बढ़ाना है, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसको बुक्स में लाना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 8,000। ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुआ, प्रोविजन 2,000 मेड करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, ये हो गया एल प्लस। लाइबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे करके 6 एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आएगा तो फिर उसको ए बी सी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जर्नल। एक नंबर में लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 60,000 इंक्रीज कराना था, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स का दाम इंक्रीज कराना है तो एसेट्स डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ओके। तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम इंक्रीज कराना था, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। नंबर टू में फर्नीचर और मशीनरी दोनों को डिप्रिसिएट कराना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। टू फर्नीचर 6,000 और मशीनरी 10,000। टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर का 6,000, मशीनरी 10,000, डेबिट हो गया 16,000। बिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, बिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी रिड्यूस, फर्नीचर और मशीन का दाम कम कर दिए। प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन डे भी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000 बोला था, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड, ओके, या रेस्ट। तो प्रोविजन क्रिएट कर दिए, लायबिलिटी बढ़ गया। नंबर चार, कोई क्रेडिटर था, अब वो क्लेम नहीं करेगा, क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम होगा, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर अपना क्लेम रिड्यूस कर दिया, अमाउंट है आपका 5000, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर रिटेन बैक, ठीक है, उसको वापस कर दिए, रिटेन बैक कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इससे एसेट्स इंक्रीज कर जाता है, तो उस एसेट्स का नाम से एंट्री कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो था वो 8000 का था, तो बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टेकन इनटू अकाउंट, तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसको हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000, बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड या प्रोवाइडेड, ओके। तो सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो, यहां देखो बिल्डिंग एप्रिसिएटेड ए प्लस, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहां देखिए फर्नीचर मशीनरी रिड्यूस, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट मेड करना है, बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्रेडिटर देखिए नॉट क्लेम, रिटेन बैक कर देंगे, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, बुक्स में लाना है ए प्लस, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, एक लायबिलिटी लाना है आउटस्टैंडिंग। इतना एंट्री करने के बाद चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम इंक्रीज किया था, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में बाई लैंड एंड बिल्डिंग 60000, फर्नीचर और मशीनरी रिड्यूस किया था टू फर्नीचर टू मशीनरी, फर्नीचर रिड्यूस किया था 6000, मशीनरी रिड्यूस किया था 10000, प्रोविजन क्रिएट किए थे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन क्रिएट किए थे हम लोग रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 5000, क्रेडिटर कम किए थे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर 5000 कम किए थे। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आया था एसेट प्लस, बाई इन्वेस्टमेंट 8000, एक लायबिलिटी आया था टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000, ये रिवैल्यूएशन में एंट्री दिए, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल हो गया 73000, डेबिट में लाए 73000, माइनस कीजिए 50000 प्रॉफिट आ गया, इसको बांट देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम था ए बी सी, ये हो गया प्रॉफिट, इसको ए बी सी में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 5-3-2 25000 15000 10000, इसका एक एंट्री कर देना है रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया है, एंट्री नंबर 7 कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50000 टू एस कैपिटल, ओके, टू बीस कैपिटल एंड
टू सी इज कैपिटल, इसको रेशियो में देंगे 25,000, 15,000, 10,000, बींग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बींग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन, ऊपर कर दिए जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।